बड़ी खबर है, गुरुग्राम में एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुखबीर और सुखी चेयरमैन की हत्या में शामिल आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया है। पपला गैंग का मुख्य गुर्गा है ये आरोपी राहुल। आपको बता दें कि राहुल पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। 1 सितंबर 2022 को सुखबीर की हत्या की थी इसने। वारदात के बाद से ये फरार चल रहा था। आरोपी राहुल पर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। और अब ये बड़ी खबर है कि गुरुग्राम एसटीएफ ने इसे धर दबोचा है जो सुखबीर उर्फ सुखी चेयरमैन की हत्या में शामिल था। पपला गैंग का मुख्य कुर्गा भी है आरोपी राहुल। ZBS संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज और डिटेल देंगे हमें इस खबर पर। देवेंद्र, और क्या डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल, इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी राहुल जिसपे 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था पुलिस ने, और इस पूरी हत्याकांड में ये मुख्य तौर पर शामिल था क्योंकि राहुल पपला गैंग से ताल्लुकात रखता है। और पुलिस ने करीब, जब इससे इसकी गिरफ्तारी हुई है तो ये पता लगा है करीब 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और 10,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित किया हुआ था। और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। एसटीएफ की टीम को जब ये मालूमात हुआ कि इस रिवाड़ी के एरिया में जा रहा है तो वहीं से इसको धर दबोचा। फिलहाल इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है, इससे पूछताछ भी की जा रही है कि और कितनी वारदातों में ये शामिल रहा है। लेकिन 1 सितंबर 2022 को जिस तरह से बीजेपी के नेता सुखबीर उर्फ सुक्की चेयरमैन की हत्या कर दी गई थी रेमंड शोरूम के अंदर जब वो कपड़ा खरीदने गए थे, तो इस पूरे हत्याकांड में हालांकि उनका साला मुख्य आरोपी था, लेकिन पपला गैंग से ताल्लुक रखने वाला ये राहुल इस हत्या में मुख्य तौर से शामिल रहा और जो गोली चलाने वालों में से एक था। और लगातार एसटीएफ इसकी तलाश भी कर रही थी। देवेंद्र, पपला गैंग का मुख्य आरोपी और इसको गिरफ्तार तो किया गया है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से और कुछ अहम साक्ष्य या और कुछ अहम जानकारी भी मिल सकती है, ये अभी उम्मीद करें? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, जिस तरह से आरोपी के ऊपर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं अलग अलग, चाहे राजस्थान, गुरुग्राम, दिल्ली के आसपास इलाकों में, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी कुछ ऐसी गुत्थियां हैं क्योंकि आरोपी पिछले 1 साल से फरार है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब इतना वक्त बीत चुका हो और अब पुलिस के हाथ ये लगा है तो कई ऐसी आपराधिक मामलों में शामिल रहा हो, और अब यही खुलासा एसटीएफ की पूछताछ में पता लगेगा। जी, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए देवेंद्र भारद्वाज।